हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉक। शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भव्य गांधी को रिप्लेस करने के बाद जब राज अनाथकर ने उनकी जगह ली तो टप्पू के किरदार के लिए ऑडियंस ने राज की एक्टिंग को जज करना शुरू कर दिया और ऑडियंस का ये मानना है कि नया वाला टप्पू यानी कि राज अनाथकर पुराने वाले टप्पू की जगह नहीं ले पाएगा और इसके साथ ही ऑडियंस अब पुराने वाले टप्पू को देखना चाहती है। और इसके साथ ही टप्पू के रिप्लेस होने के बाद ऑडियंस ने इस शो को देखना कम कर दिया, जिससे कि इस शो की टीआरपी पर काफी असर पड़ा और इस शो की टीआरपी दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। तो अब मेकर्स ने इस शो के लिए एक नया ट्विस्ट ओपन किया है। अब इस शो में राज अनाथकत यानी कि टप्पू के रोल को फ्रंट पर रखा जाएगा और अब इस शो में टप्पू की कॉलेज लाइफ और कॉलेज के एक्सपीरियंस और लव लाइफ पर बेस्ड होगा। दूसरी भाषा में हम साफ कह सकते हैं कि अब इस शो में टप्पू की लव लाइफ आने वाली है। जो एक्सपीरियंस एक स्टूडेंट कॉलेज लाइफ में करता है वो सभी एक्सपीरियंस इस शो में दिखाए जाएंगे टप्पू और उसकी टप्पू सेना के द्वारा। यानी कि अब इस शो में टप्पू की लव स्टोरी शुरू होने वाली है। जब टप्पू की लव स्टोरी शुरू होगी तो उसके साथ ही पूरी टप्पू सेना की भी कॉलेज लाइफ में लव स्टोरी शुरू होगी। और इसके साथ ही सुनने में ये भी आ रहा है कि अब इस लव स्टोरी में टप्पू की लव पार्टनर सोनू होंगी। तो टीनेजर्स के लिए तो ये शो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसके साथ ही इस शो की टीआरपी भी बढ़ेगी। और वैसे भी इस शो के फैंस काफी टाइम से यही सोच रहे थे कि टप्पू और सोनू की फ्रेंडशिप सिर्फ यहीं तक रहेगी या फिर आगे भी बढ़ेगी। सो फ्रेंड्स, जब इस शो में लव स्टोरी वाला पार्ट आएगा तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि टप्पू सेना और उनके लव पार्टनर कौन बनते हैं। और वहीं दूसरी ओर इस शो में लव पार्टनर के लिए नई कास्ट की खोजबीन शुरू भी कर दी है। सो फ्रेंड्स, अब इस आने वाले एपिसोड के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं? आप अपने कमेंट्स और रिव्यूज अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अगर आपने हमारा चैनल बॉलीवुड टॉक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फाइंड फॉर मोर अपडेट्स।